कसरावत की कॉलोनियों में हुई चोरी की वारदात के बाद टीआई मनशाराम रोमड़े एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने पुलिस और जनता को सहयोग की पूरक कड़ी बताते हुए चोरों को जल्द पकड़ने की बात कही। पुलिस आपकी मित्र है, एक कॉल पर आपके द्वार पहुंचेगी, किंतु आपके सहयोग एवं जागरूकता के बिना अपराधों पर नियंत्रण संभव नहीं हो सकता है। यह बात थाना प्रभारी मनशाराम रोमड़े ने हरियंत नगर और हरसिद्धि धाम कॉलोनी में हुई चोरी की घटना पर तत्काल एक्शन लेते हुए कॉलोनी वासियों के साथ एक बैठक में कही। टीआई रोमड़े ने कॉलोनी वासियों से सहयोग की अपेक्षा की और कहा कि जल्दी ही चोर पकड़े जाएंगे। उन्होंने बताया पुलिस विगत 3 दिन से आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है, लेकिन इसमें सभी को भरोसा, सहयोग और जागरूक रहना होगा। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नजर आए तो तत्काल थाने पर सूचना देनी होगी। इस दौरान कॉलोनी वासी भी टीआई की कार्यवाही से संतुष्ट नजर आए। उनका कहना था कि यदि थाना प्रभारी द्वारा चोर पकड़े गए तो टीआई और टीम का सम्मान किया जाएगा। इस दौरान टीआई द्वारा चौकीदारों को ड्रेस, टॉर्च और डंडा प्रदान किया गया। पुलिस द्वारा कॉलोनी वासियों का ग्रुप बनाया गया एवं ग्रुप के माध्यम से संदिग्ध लोगों का फोटो पुलिस को भेजने के निर्देश दिए गए। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। सर, पुलिस के द्वारा नवाचार एक नई पहल की है और कॉलोनियों में जिस तरीके से लोगों का विश्वास जीतने के लिए आपने मीटिंग्स की, कहाँ तक सफलता लगी और क्या लोगों का बिहेवियर रहा आपके प्रति? देखिए, पुलिस जनता के सहयोग के बिना सफल होना एक बड़ी मुश्किल का काम है, एक चुनौती है। पुलिस की सफलता में जनता का, पब्लिक का बहुत सहयोग रहता है और पिछले दिनों जो अरियंत नगर और हरसिद्धि धाम कॉलोनी में जो चोरी की वारदातें हुई है सुने मकानों में, उसको लेकर के वो मेरे लिए, पुलिस के लिए एक चैलेंज के रूप में है। उस पर हम काम भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि शहर से आउटर साइड में कॉलोनियाँ हैं और चारों तरफ से खुली कॉलोनी है, चोर कहीं से भी आके सुने मकानों में वारदात कर जाता है और आसानी से भग जाते हैं। तो मैंने आज हरसिद्धि धाम कॉलोनी और अरिहंत नगर वासियों के साथ में मीटिंग की, जिसमें वहाँ के जेंट्स, लेडी सभी उपस्थित हुए थे और उनके साथ मेरी जो चर्चाएं हुई उसमें थोड़ा सा उनको सतर्क और अवेयरनेस के हिसाब से भी कुछ चीज़ें बताई है। दूसरा, मैंने मेरा खुद का नंबर और 2-4 नंबर और उनको शेयर किए, जो कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखता है दिन में या रात में वो तत्काल पुलिस को खबर करे, मुझे फ़ोन करे, तो जैसे फ़ोन आता है तत्काल वहाँ पर पुलिस पहुँचेगी और वो संदिग्ध व्यक्ति जो भी है उसको वेरीफाई करेगी कि फ़ोन है कहाँ से आया है, क्योंकि दिन में रेखी करते हैं, रात में भी घूमते हुए पाए जाते हैं, तो उसमें संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में सूचना देने के लिए हमने उनको बोला है। दूसरा, चौकीदार के लिए जन सहयोग से चौकीदार का एक पहल कराई है कि चौकीदार रखें और हमारी तरफ से उस चौकीदार को कुछ रात में गश्त के हिसाब से सिटी, टार्च और चूँकि ठंड का मौसम है तो हमने कुछ जर्किन वगैरह दिए है। सरापा में भी एक नया चौकीदार, नेपाली चौकीदार को रखा है, तो इस तरह से कॉलोनी वालों का भी काफ़ी सहयोग रहा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि पूरा सहयोग मिलेगा। कुछ लाइट की प्रॉब्लम्स बताई थी CMO साहब को, मैंने तत्काल फ़ोन करके बताया है कि वहाँ पर कुछ लाइट की कमी है तो वहाँ बल्ब वगैरह लगा दे, और इसी तरह से हमने उनको समझाइश दी है और मीटिंग का उद्देश्य वही था, उनके साथ थोड़ा मिलना जुलना और चीज़ें शेयर करना, तो ये हमारे द्वारा प्रयास किया गया। जहाँ तक देखा गया कि चोरी के बाद जो है लोगों में एक रोष होता है, लेकिन आप लोगों के बीच पहुँचे और एक विश्वास जगाने की कोशिश करी, तो क्या प्रतिफल लगा, क्या लगा लोगों के? नहीं, उनको बड़ा अच्छा लगा, काफ़ी सम्मान दिया उन्होंने और काफ़ी खुश थे। देखिए, वारदात हुई है वो तो हमारे लिए चैलेंज है, वो तो हम कर ही रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जो चीज़ हम करेंगे वो फरियादी पक्षों को हम अपडेट भी कराएंगे, लेकिन काफ़ी खुश थे कॉलोनी वाले और हमें बहुत ही सकारात्मक परिणाम आया, सकारात्मक परिणाम आया और हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का भी प्रयास करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।